ही कम रेट यार, 250 रुपये में तुम्हें रहने के लिए रूम मिल जाएगा। बताओ इतना सस्ता जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जैसे ही भाई उस टॉप से नीचे आए ना, उसके बाद जो यहाँ पे मुझे सुनसान सा दिखा, मतलब यहाँ पे बस एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सही लगी वो कि भाई यहाँ पे रोड एकदम मक्खन बने हुए, पर चारों तरफ अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम सुनसान से, ना दूर तक कोई गाँव है, ना घर है, ना लोग है, ना कुछ भी नहीं है भाई। पहाड़ तक सुनसान हो रखे, पहाड़ों पे पेड़ पौधे का नाम ही नहीं है। और फिर मैं इन्हीं सुनसान वादियों में भाई बस अपना रात गुजारने का जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि अब क्या है भाई कुछ मिनटों की यह बात है यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद जो है जैसे मैं रात को ना यहाँ पे जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ टेंट लगाऊँ, फिर मुझे दूर कहीं दूर जाके ये चीज़ दिखी, मुझे यहाँ पे घर दिखा। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई बगल में टेंट लगा सकते हो क्या, इन्होंने कहा हाँ भाई लगा लो, पर बाहर जैसे आप समझ सकते हो कि माइनस से भी कम में टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ना भाई टेंट में रहने का मतलब ऐसे मन नहीं था। पर मैंने इन लोगों से पूछ लिया कि भाई क्या आप पास रुकने की जगह है, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने बोला रेट क्या है, तो उन्होंने बोला सिर्फ 250 रुपये। तो मैंने बोला भाई बाहर में गया टेंट, अब मैं रहूँगा तो इनके घर के अंदर ही रहूँगा। तो बस क्या इस तरह का यहाँ पे मामला सेट हुआ भाई, और खाने वाने को भी मिल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये इसमें आग वाग जलता है तो पूरा गर्म रहता है रूम, तो बहुत सही सा सौदा मतलब हमें ना मिल गया। उसके बाद क्या था भाई, दबा के हमने ये चावल और दाल खाए, और भाई घोड़े बेच के ना हम अपने रूम में जाके सो गए, और बहुत ही सही था, मतलब ठंड वंड तो लग ही नहीं रहा था भाई। फिर अगले दिन जैसे उठा तो भाई हमारे रूम के नज़ारे कुछ इस तरह से थे, और बाहर जो है धूप आ चुका है, और रात को अंधेरा था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, पर अभी देख लो रूम का टूर देख लो भाई, यही है रूम हमारा, और यहाँ पर हमने सारे सामान फैला दिए। फिर जो है हम जैसे बाहर निकल गए तो बाहर देख सकते हो यहाँ पे कई सारे हैं, मतलब रात को नहीं दिख रहे थे पर अभी दिख रहे भाई। और वो देखो सामने बाइक खड़ी, और वहीं पे मैं टेंट लगाने की सोच रहा था, और ये है जिसके अंदर हम रुके हुए थे। ये अभी बन रहा है, अभी सब थोड़ा टाइम लगेगा, पर बनने के बाद और भी ज़्यादा सही लगने लग जाएंगे। और एक और चीज़ बताऊँ, रात को इतना ज़्यादा ठंड था कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये पानी टपक रहा था और ये जम चुका है। तो आप समझ सकते हो जब मैं बाइक चला के आ रहा था मेरे घुटने की हालत क्या ही ख़राब हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड था रात को यार। तो ये मतलब एक कह सकते हो कि मैंने डिसीजन सही लिया कि मैं भाई इनके अंदर घरों के अंदर मैं रुक जाऊँ, बाहर नहीं रुका। और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यहीं पर रात को बैठ के हम खाना वाना खा रहे थे, बैठने बैठेंगे सही जुगाड़ बना हुआ है। और इसके अंदर ना हमेशा जो है आग जलती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी आग जल रहा है, इसी भी ये लोग खाना वाना बनाते हैं और इसी से ये आग वाग सेकते हैं गर्म रखते अपने आप को, और ये पूरा रूम गर्म रहता है। तो बहुत सही जुगाड़ बना हुआ है, और इस टाइप से इनका ये रेस्टोरेंट बोलो, होटल बोलो, जो भी चीज़ बोलो, सारा सामान यहीं पर मिल जाएंगे। और इसके बाद देखो ये है इनका किचन, और ये इस रूम में जो है हम रात को रुके हुए थे, और अभी भी सामान है। तो ये देखो पीछे रात को रुक गया था मैं, जब तांगलांग से नीचे आया था ना, अंधेरा हो गया तो, और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। देखो चारों तरफ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तांगलांग से 10-20 किलोमीटर जब नीचे आओगे मनाली साइड जाओगे तो ये आज जाके ये जगह मिलता है, और भाई बहुत ही कम रेट है यार, 250 रुपये में तुम्हें रहने के लिए रूम मिल जाएगा। बताओ इतना सस्ता जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर इसके बाद अगर मनाली साइड जाओगे तो सिर्फ 45 किलोमीटर बाद जाके है पांग, PANG पांग, वहीं जाके मिलेगा सब कुछ, और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इतने दूर दूर तक तुम्हें जगह नहीं मिलेगी रहने की, और वहाँ पे जाके इतना सस्ता रहो अगर तुम्हें जुगाड़ मिल जाए रहने के, और वो बहुत सही है, अंदर कम्बल लम्बल सब है, कोई दिक्कत नहीं, ठंड नहीं लगनी रात को। और अभी हम जा रहे भाई, ये तो यहाँ झील है, मुझे लग रहा है झील जम चुका होगा, तो झील देखते हैं जमा है नहीं जमा है। तो देखो मैं आ गया हूँ झील पे, और भाई आप रात को सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड थी, तो देखो झील जम गई, देखो ये पूरा झील जमा हो रहा है, ये देखो रुक जाओ पत्ता फेंक दो पता चलेगा आपको। हाँ जी आ गया, अब देखो इसको मैं इस पर फेंकूँगा, अंदर नहीं डूबेगा, देखो भाई साहब जम गया ये झील, पूरा झील जम गया, मतलब सोच तो रात इतना ज़्यादा ठंड होगा यहाँ पे। अच्छा मैं सोच रहा था पहले कैंप लगा लूँ, वो जब मैंने रेट पूछा ना पूरा 250 रुपये, मैं भी अंदर रह गया उनके अंदर, मतलब रूम में ही रह रोक लिया मैं, ठीक है यार ज़्यादा महंगे भी नहीं है भाई, अच्छा बंदे जम जाते। वैसे शायद मुझे टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं
पेंगोंग के पास टेंट लगाया था, आपने वीडियो देखा होगा पिछला, उसमें क्या है बर्फ जम रहा था और मैं अंदर बर्फ गिर रहा था, स्नोफॉल हो रहा था और मैं अंदर सो रहा था मजे से, मुझे पता ही नहीं तो मुझे अंदर इतना फर्क नहीं पड़ा। ये बड़ा पत्थर देखता हूँ, ओए ये टूटी थी, मतलब भारी है ना, देख रहे हो अंदर देखो कितना हवा भर गया, हो छोटा पत्थर अभी ऊपर ही है भाई साहब। और यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है भाई, पूरा खाली खाली है। तांगलांगलांग से वो तांगलांगलांग के ऊपर जाओगे तब भी, उसके नीचे आओगे तब भी, और आगे तक अभी शायद ऐसे ही मिलेगा मुझे। और ये रही जगह, यहाँ काफ़ी सारे आप आके रात को रुक सकते हो, मैं तो भाई रिकमेंड करूँगा अगर आप इस टाइम में आते हो अक्टूबर अक्टूबर में, तो अगर आप रात को जाते तांगलांगला जाते हुए भी तो यहीं रुक जाओ, बहुत कम रेट है। और तांगलांगला से वापस नीचे आके मनाली साइड जाते हो रात को जाते तब भी यहीं रुक जाओ, ज़्यादा सही है। तो देखते हैं ये जो जमे हुए झील है मेरा वेट झेलता है क्या। नहीं आवाज आ रही कल तक, नहीं देख लो भाई फटने लगे, नहीं जी नहीं झेल पाएगा, रहने दो पता चले जूते वूते ढीले हो जाए। पर ये छोटे छोटे पत्थर का है, वो भारी पत्थर मैंने फेंका ना उसका वेट नहीं झेला इसने, छोटे पत्थरों का वेट झेल। हाँ चलो अब चलते वहाँ चाय वाय पीते फिर निकलते आगे, 8 बज गए अभी। मनाली अभी दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट अभी है 300 कुछ किलोमीटर है मनाली, तो पता नहीं आज भी शायद पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि कह रहे आगे जाके रोड ख़राब है, तो रोड ख़राब है तो स्पीड वैसे कम हो जाती है भाई। देख रहे हो यहाँ से सर्च हुए 105 और मनाली है 225 किलोमीटर, सॉरी 325 किलोमीटर है। और दूर दूर तक भाई जहाँ रुका से वहाँ से कम से कम मैं आ चुका हूँ काफ़ी दूर, मतलब 20-25 किलोमीटर तो आएगा। और देख रहे हो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस ये भाई नंगे पुंगे पहाड़, ये बर्फ के टीले, और यहाँ ज़्यादातर ट्रक चलते हुए दिख रहे मेरे को, बहुत कम कार वार दिख रहे हैं और बाइक तो भाई ना के बराबर ही दिख रहे हैं। और देख रहे हो भाई पूरा एकदम खाली खाली पहाड़ है और ठंड, यहाँ हवा तेज चल रही है, ठंड लग रही है, हाथ को थोड़ा गर्म करते हैं, ग्लव्स चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। तो ग्लव्स हो गए गर्म, हाथ भी हो गए गर्म और ग्लव्स कर दिए हमने चेंज, ग्लव्स को रख दिया हमने गर्म होने के लिए, तो दो दो ग्लव्स है, एक ग्लव्स को गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ और एक ग्लव्स पहन के कुछ चलता हूँ, तो ये सही है। तो थोड़ी देर के रेस्ट के बाद हम से वापस निकल गए अपने सफ़र पे, और यहाँ भी आप देख सकते हो चारों तरफ भाई कुछ भी नहीं है और
एक और चीज़ देख सकते हो, आगे सामने मुझे दिख रहा भाई स्नो माउंटेन, जो हमारे लिए मतलब कुछ सही संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि जब समझ चलो यहाँ पे इतना दूर है हम, तब इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो जैसे अगर स्नो माउंटेन में पहुँचेंगे तो भाई वहाँ कितना ज़्यादा ठंड लगेगा। तो आप देख सकते हो भाई इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, और धीरे धीरे जो है हम भाई स्नो माउंटेन के पास जो है गुजर रहे हैं, और मुझे लग रहा है जो हम इस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल स्नो माउंटेन के पास से ले जाएगा। और एक और चीज़ बताऊँ तो हम जो है धीरे धीरे पहुँच गए फाइनली पांग में, पर एक चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा सरप्राइज रहा मैं, जब मैं लास्ट चेक पोस्ट पर रुका था तो उन्होंने कहा था भाई पांग से पहले कोई जगह नहीं रुकने की, तो आप उसके हिसाब से ही जो अपना प्लान कर लो और उसी के हिसाब से ही आप चलो। पर जो है जैसे मैं तांगलांगला से नीचे आया, वही 5-6 किलोमीटर शायद हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे मुझे भाई इतने सारे ढाबे वाबे रुकने के जगह मिल गया, पर हो सकता है उन लोगों का अपडेट नहीं था या फिर वो मुझे बताना भूल गए, पर इसका इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। पर आप देख सकते हो नीचे पांग आ चुका है, और अगर आप पांग में नहीं रुकना चाहते हो, अगर मनाली साइड से अगर लद्दाख के साइड जा रहे हो, तो आप 30-40 किलोमीटर बाद जाके आपको वो जगह मिल जाएगा। उस जगह का नाम भाई मतलब अभी ऐसे रिवील नहीं हो रहा, गूगल मैप पे भी मैंने देखा तो वहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो आप उसके हिसाब से वहाँ पर जाके रुक सकते हो या उधर से आते हो तब भी रुक सकते हो। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पांग, और पांग में मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि भाई पेट वेट तो पूजा पहले हमने कर लिया है, और मनाली जो अभी भी है जो है 300 से प्लस जो किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पता नहीं आज मैं मनाली पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि उम्मीद जो है बहुत कम है, क्योंकि अब जो है रोड की भी कंडीशन भाई कुछ खास नहीं दिख रही मेरे को। तो जो स्पीड हमारी अच्छी खासी रोड पे काफ़ी ज़्यादा सही थी, यहाँ पाके वो स्पीड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसी वजह से भाई आज पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, देखते हैं, जो भी रहेगा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? हा? क्या नाम है? हाँ अनीस, ठीक बाय बाय। मनाली तो चॉकलेट से ज़्यादा है, कि आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने पूरे ट्रिप पे ना मतलब हिमाचल और मनाली के ट्रिप पे मैंने भाई 250 से 3000 के बीच के मैंने चॉकलेट खा गया, क्योंकि मैं जब भी रुकता था मुझे पता नहीं क्यों चॉकलेट खाने का मन करता था, और मैंने बैग में इतने चॉकलेट भर रखे थे कि भाई क्या ही बताओ। भाई साहब और ख़तरनाक जगह भागे मुझे लग रहा है, अभी इधर भी उन्होंने बोला था पांग से आगे ना रोड टूटा हुआ है, तो यहाँ तो रोड ही नहीं है, टूटे की तो बात अलग है, उस साइड पे रोड था जो अभी सब बर्बाद हो चुका है, और ये अलग से एक अल्टरनेट रोड बनाया गया है और अभी काम चल रहा है। ओ भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। ओ भाई ओहो, अरे वाह, ये देखो ये जो नदी बह रहा है ना बगल में, वाटर क्रॉसिंग हमारे लिए भी आ गई, पर भाई हम वाटर क्रॉसिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हम ठंडे पानी से बहुत प्यार नहीं है हमको, समझ रहे हो ना। तो देखो नीचे आके एक बेनिफिट हुआ मुझे, यहाँ पे देखो ठंड कम लग रही है, और क्योंकि नीचे आ गए बिल्कुल, और भाई नुकसान ये कि रोड खराब है और नदी में पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी बह रहा है नदी में, और ये भाई ट्रक व्रक वाले तो इसने स्पीड मारा भाई, धुआं धुआं मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी उड़ाते हुए, देखो मुझे लग रहा है ये पूरा मिट्टी से ना नहला देंगे आज भाई, बहुत स्पीड मारा है मिट्टी उड़ाते उड़ाते, देखो भाई साहब ये तो वो क्या दिखे हिरन, अरे वाह यार ये कौन सा हिरन है, नाम तो मुझे आइडिया नहीं, पता नहीं, पर भाई साहब देखो 3 है शायद, एक बच्चा है 2 बड़े, अरे वाह क्या बात है, और भी है क्या? नहीं ये 3 ही है फिलहाल, ये 3 वहां जा रहे थे को भागते हुए, क्या बात है। तो
अभी देखो यार फिर से ऊपर जाना है, ये रोड देखो पूरा टूटा फूटा है, मतलब अभी बना नहीं, अभी बन रहा है, बहुत टाइम लगेगा बनने में। ऐसे ऐसे करके देखो घूम के, वो ट्रक आपको दिख रहा होगा, ट्रक जा रहा है वहाँ भी, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, उधर जाना यार। बस दोबारा बर्फीले पहाड़ के ऊपर ना ले जाए, क्योंकि बर्फीले पहाड़ पे हालत ख़राब हो जाती है, और भाई यहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ऐसे रोड की। मैंने सोचा नहीं था इतना ख़राब होंगे, काफ़ी दूर तक ख़राब है यार। पीछे गाँव में मैंने जब यहाँ रोका था ना, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि पंग से आगे रोड ख़राब है, पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी दूर तक ख़राब, आगे पता नहीं कितना आगे तक ख़राब होगा, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अभी बन रहा भाई, बनने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, 4-5 साल मान लो मोटा मोटा, बहुत लंबा पैच है ये। तो नीचे से ऊपर आगे इस जगह पे मुझे भाई वापस से है जो सचपास के याद आने लगे, क्योंकि सचपास पे भी सेम ऐसा ही कंडीशन वाले रोड थे, नीचे खाई और बगल में छोटा सा रोड और इस पे से हम गुजर रहे, पर सचपास में ये था कि वहाँ था पत्थर वाले पहाड़, यहाँ पे क्या पत्थर और मिट्टी मिक्स वाले पहाड़, इस टाइप के जो पहाड़ होते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इस पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप यहाँ देख सकते हो रोड इतना ज़्यादा छोटा है, आप देखो सामने से ट्रक आ रहा है और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, हम दोनों आपस में ना भाई गुजर नहीं सकते, हमें में से किसी न किसी एक को रुकना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ इधर कोई सही से जगह दिखे साइड में, मैं रुक जाऊँगा ताकि ट्रक वाले भाई क्रॉस हो जाए। पर ये क्या भाई, ट्रक वाले वहाँ रुक गए, शायद उन्होंने मुझे देख लिया होगा इसीलिए वो रुक गया और मुझे जाने दे रहे हैं। अरे क्या बात है यार, तो मैं उम्मीद नहीं थी कि ट्रक वाले रुकेंगे, यहाँ पे जगह ज़्यादा थी इसलिए ट्रक वाले वहाँ रुक गए, और भाई मैंने सारा मन को थैंक्स बोल दिया, और मतलब उम्मीद सच में नहीं थी कि ट्रक वाला रुकेगा, मुझे लगा ट्रक वाला आता रहेगा मुझे ही कहीं रुकना पड़ेगा, पर भाई ट्रक वाला मेरे लिए जो रुक गया और अब वो जगह जा रहे उसी रोड पर, और यहाँ पर भी बर्फ़ गिरा हुआ है भाई, गिरे हुए रात को गिरे हुए एकदम ताज़े ताज़े भाई साहब। धूप, ये यहाँ जो धूप है ना भाई, ये धूप कोई असर नहीं कर रहा, धूप बस जो रोशनी दे रहा है भाई, तुम आराम से चल सको, बस ठंड में कोई काम नहीं आ रहा धूप। रोड बहुत खतरनाक है भाई, अभी रोड है ही नहीं है, रोड बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, अभी इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये पूरा पैच खराब है, ये तो कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक मिलेगा, उसके बाद बहुत दूर तक पूरा ऐसे खराब खराब सब मिलेगा, देख रहो तो यहाँ से थोड़ा सा ठीक मिला, उसके बाद खराब सा आ गया, रोड बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और अभी क्या, कुछ दिनों बाद फिर से बर्फ गिर जाएगा, यहाँ पे काम रुक जाएगा, फिर अब काम अगले साल होगा, तो रोड सही होने का अभी चांस तो है नहीं, 4-5 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। और ये जो नदी है ना, थोड़े देखो नदी में पानी भी बहुत कम है, मतलब अभी क्या है धूप के, आप समझ सकते हो धूप इतना असर नहीं कर रहा बर्फ पे ग्लेशियर पे, जिससे ग्लेशियर पिघले, बहुत कम पानी है, बहुत घुटने पर बर्फ से भी नीचे गया, पैर डूब जाए बस इतना पानी है, सूख गया पूरा। बाइक वाले तो आराम से निकल सकते थे सर, सही है भाई, बहुत टाइम लगेगा अभी पूरा रास्ता बनने में ना, बहुत टाइम लगाएगा, बहुत टाइम।
अभी देखो कुछ दिनों बाद बर्फ देखो गिरने शुरू हो गया, अब यहाँ पे भी बर्फ गिरने शुरू हो जाएंगे, तो ये रोड अभी बनाना पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। चलो देखते हैं आगे वाला, आने वाला 2-3 साल के बाद ना रोड एकदम हर जगह ना बहुत मक्खन मिलने वाली है, ले हो मनाली हो चर्चू है जो भी पास जाओगे ना भाई, रेल रोड एकदम ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। फिर मतलब मनाली होना ले वे करने में ना बाइक से किसी चीज़ से करने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत आसान आसान तरीके से जल्दी से बंदे पहुँच जाएंगे। हम पहुंच गए ला चुंगला, ये 16,600 फीट समुद्री लेवल से, और यहाँ पे बर्फ है और यहाँ पे ठंड कम है, जैसे वहाँ 17,000 था ना तांगलांगला, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, और ये अभी 16,000 है तो ठंड कम है 1,000। यहाँ का मामला कुछ समझ में नहीं आया, जैसे इससे पहले हम जहाँ पे थे तांगलांगला टॉप पे वो था 17,000 कुछ फीट और ये है 16,000 कुछ फीट, और वहाँ पे भाई बर्फ़ नहीं था पर वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पे देखो हमारे आसपास में बर्फ़ गिरे हुए हैं पर यहाँ पे ठंड कम है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि 1,000 फीट का डिफरेंट है भाई, वो 16,000 कुछ फीट है, ये 16,000 कुछ फीट है, वो 17,000 कुछ फीट है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा है यहाँ पर ठंड नहीं है, जबकि यहाँ पर बर्फ़ भी गिरा हुआ है। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।